हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट फ्रॉम रेलवे। रेलवे की तरफ से फिर से जारी किया गया है वैकेंसी, पर इस बार जो है मेट्रो रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल के आया, जिसके अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हो आज की इस वीडियो के अंदर, देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए टोटल जो वैकेंसीज है 35 वैकेंसीज निकाल के आया है अप्रेंटाइज के अंदर, जहाँ पे आर्किटेक्चुअल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, एचआर एडमिन, बीकॉम, बीए, इंग्लिश, इस तरह की जो है पोस्ट यहाँ पे निकाल के आया है। और यहाँ पे जो है 35 पोस्ट निकाल के आया है, जहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटाइज, टेक्निकल अप्रेंटाइज, बीए और बीकॉम पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। अपडेट आया है कोचीन रेलवे, मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एप्लीकेशन करने के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटाइज एंड टेक्निकल अप्रेंटाइज के जो यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंटाइज, इसके लिए 9,000, टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए 8,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा हर मंथ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अप्रेंटाइज के अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको जो है फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीए और बीटेक, जहाँ पे 60% मार्क्स। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटाइज के लिए, उसके लिए आपको 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स भी आना चाहिए। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटाइज की जो पोस्ट है, जहाँ बीकॉम और बीए इंग्लिश में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन चाहिए, जिसके बाद आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया अगर बात करें, तो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स अप्रेंटाइज के, जो कि 15 से 24 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। और SC ST OBC हर कोई के लिए यहाँ पे एज रिडक्शन मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है 1 ईयर के ड्यूरेशन ट्रेनिंग दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको कंप्यूटर टेस्ट, रिटन टेस्ट के एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए और भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन के जिसका लास्ट डेट दिया गया है 14 अक्टूबर 2022, जिसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कोची मेट्रो रेल, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको भेजना होगा एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, जो कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, कास्ट प्रूफ, इस तरह की जितनी भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप लोगों को देना होगा। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ पे ये सब कुछ देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कोची मेट्रो रेलवे की तरफ से जितनी भी वैकेंसी निकल कर इसके अंदर आप लोगों को एक एक जानकारी आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।